सब्जेक्टिव शीट नंबर वन। सब्जेक्टिव शीट वन में कितने लोगों को डाउट है पहले एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ए से लेके जी तक के क्वेश्चंस हैं। कितने लोग चाहते हैं कि ए से लेके जी तक कोई पार्ट सॉल्व किया जाए? हाथ खड़ा करो, ए बी सी डी ई एफ जी तक। सब क्लियर है? कोई चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर टू के सारे आंसर क्या हैं? जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर थ्री में यू अपॉन वी के फॉर्मूले हैं, कौन सा पार्ट करवाना चाहते हो? वन से लेके सिक्स तक हाथ खड़ा करो, फाइव। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डीएक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं u अपॉन v कर दूं। कितने लोगों ने u अपॉन v किया है? सही किया है। चलो मैं u अपॉन v नहीं करना चाहता, मैं क्या करूंगा, d by dx of 1 upon root x minus x square divided by root x कर लेता हूं। सही है। इसमें d by dx of फर्स्ट टर्म क्या है, x raised to power minus half इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसकी पावर क्या है, टू, और नीचे x की पावर क्या है, हाफ, टू माइनस हाफ इज थ्री बाई टू, तो x रेज टू पावर क्या जाएगा, थ्री बाई टू। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, माइनस हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ माइनस वन माइनस अगले पार्ट का थ्री बाई टू x रेज टू पावर थ्री बाई टू माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर है। कोई डाउट इसमें? सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ई इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो, सॉल्व ही नहीं करना। ई की वैल्यू 2.71 फिक्स्ड होती है एक्सपोनेंट की। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, कोई फोर्थ करवाना चाहता है? क्या किया आपने, यू और वी, ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ वो देख लें कैसे किया। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एंड सेकेंड टर्म इज एक्स रेज टू पावर फोर माइनस नाइन। तो आप फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे, यू, सेकेंड टर्म को क्या मानेंगे, वी। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस, सॉरी, प्लस x की पावर 4 माइनस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स 4 माइनस 9 और इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर 1, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, फिफ्थ में क्या लगाया, पावर रूल। तो जिन्होंने फिफ्थ करना है तो फिफ्थ देख सकते हो। फिफ्थ में डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 7 होल रेज टू पावर 1/2। तो क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर हाफ है तो हाफ 4x स्क्वायर माइनस 7 हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हाफ पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 7। तो हाफ 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर माइनस हाफ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी है, 2x, और कांस्टेंट की क्या है, 0, 8x, आंसर। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? क्योंकि होल पावर हाफ है, हाफ नीचे, इस होल की पावर हाफ माइनस 1, पावर रूल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हाफ पे हाथ रखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचता है, 4x square minus 7। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है आके, सही। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, हाँ, टू और ही तो कट जाएगा, चलेगा चलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में u इंटू वी का फॉर्मूला, कोई डाउट है? 6 और 7 में दोनों में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया, डाउट है? ठीक,
क्वेश्चन नंबर सेवन में करने के वैसे तो दो तरीके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला तरीका रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स, ये रहा पहला तरीका, आप इसे और इसे, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिफ्रेंसिएशन कर दें। दूसरा तरीका, आप इसे u मान लें और इसे v मान लें, तो u और v से ये फर्स्ट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, ऐसे तो हो जाएगा के सॉल्व। इसकी डिफ्रेंसिएशन हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इस टर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी डिफ्रेंसिएशन की पावर हाफ है, हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, ये रूट एक्स है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ और इसकी डिफ्रेंसिएशन थ्री इंटू एक्स की पावर टू। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन में डाउट देखो, जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें एस की वैल्यू आपको गिवन है थ्री टी स्क्वायर प्लस नाइन और आपको निकालना क्या है, डी एस बाय डी टी। एस की वैल्यू ऊपर वाली टर्म यहां पे पुट कर दें तो क्या आएगा, डी बाय डी टी ऑफ एस की जगह थ्री टी स्क्वायर प्लस नाइन, तो डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, थ्री कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन तो जीरो है, थ्री इंटू टू टी, आंसर क्या आएगा, सिक्स टी इज़ आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कितनों का आ गया था, 60 आ गया था, ठीक है सही है। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, फिर से 60, तो वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10th में आपको वो कह रहा है कि जो एरिया है थ्री टी स्क्वायर प्लस पाई, इसमें प्रॉब्लम ये है मेटल रिंग को गर्म कर रहे हैं, जब मेटल रिंग को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है और एरिया भी बढ़ेगा, एरिया ऐसे बढ़ रहा है टाइम के साथ जो कि गिवन है, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया की जगह क्या, थ्री टी स्क्वायर प्लस पाई, तो यहां पर क्या आएगा, थ्री बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और कॉन्स्टेंट की तो जीरो है, तो आंसर थ्री इंटू टू टी, आंसर इज 60 इज द आंसर, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है यहां तक। और क्वेश्चन है लास्ट 11th, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी प्लस टू होल रेज टू पावर थ्री बाई टू, तो पावर रूल थ्री बाई टू, थ्री टी प्लस टू की होल पावर कितनी, थ्री बाई टू माइनस वन इंटू, पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी प्लस टू, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके थ्री कॉन्स्टेंट डी टी बाई डी टी वन और तो जीरो है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, सिर्फ थ्री आंसर।